वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है टेक्शांत अग्रवाल। तो शुरू करते हैं आज के भी बिजनेस और फंडिंग न्यूज़। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बेंचमार्क्स की। दोस्तों जो सेंसेक्स से आज दोस्तों ग्रीन सिग्नल देके बंद हुआ, दोस्तों 58,803 के आसपास जो है सेंसेक्स बंद हुआ है। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है बहुत कुछ दिनों से जो है 17,500 पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अगर गोल्ड की प्राइस की बात दोस्तों जो है गोल्ड की प्राइस 250 रुपये से बढ़ी है। और अगर दोस्तों डॉलर की बात करें तो डॉलर दोस्तों फिर से जो अपनी रिकवरी करके 79.80 पे आ चुका है, यानी कि रुपी दोस्तों जो है फिर से दोस्तों गिरा है। दोस्तों सबसे पहले खबर निकाल के आती है फोनपे की तरफ से। दोस्तों फोनपे ने जो है पिछले 18 महीने के अंदर 80 लाख मर्चेंट्स को जो है ऑनबोर्ड किया है, यानी दोस्तों जो है नए नए मर्चेंट्स को एक्वायर किया है। दोस्तों अब जो है RBI की एक स्कीम बनाई थी, एक उसका नाम था PIDF, यानी कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। दोस्तों इसके तहत जो है RBI दोस्तों जो है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से, जैसे कि फिनटेक वगैरह दोस्तों कंपनी से, पेटीएम, फोनपे, दोस्तों ये जो भी मर्चेंट्स को दोस्तों ऑनबोर्ड करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पर, दोस्तों इनको जो है RBI अपनी तरफ से दोस्तों जो है स्कीम की तहत कुछ पैसा देगा। जैसे दोस्तों क्योंकि जो है ये कंपनी पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया में बिल्ड कर रही है, तो इनकी वजह से जो है इनकी एक फंड बना दिया, जिसकी वजह से जो है इनको पैसा दिया जाएगा। दोस्तों फोनपे जो है इसके लिए एलिजिबल हो चुका है। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है कि स्टेट ओन जो ऑयल कंपनी है दोस्तों, उन्होंने पिछले महीने जो 16% ज़्यादा पेट्रोल दोस्तों सोल्ड किया है और 23.5% दोस्तों डीजल ज़्यादा सोल्ड किया है पिछले साल के अगस्त के महीने से कंपेयर करें तो। और दोस्तों अगर अगस्त 2019 से कंपेयर करें तो दोस्तों जो है 20% पेट्रोल ज़्यादा सेल हुआ है और 11.5% दोस्तों लगभग जो डीजल ज़्यादा सेल हुआ है। दोस्तों क्यों रहा है? क्योंकि दोस्तों हमारी जो इकोनॉमी बढ़ रही है, दोस्तों लोगों को रोज़गार मिल रहा है, यानी नौकरी मिल रही है, दोस्तों वो जो है अपने काम पर जाते हैं, दोस्तों तो ट्रैवल वगैरह भी करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है जो यूज़ होता है दोस्तों वो है गैसोलीन प्रोडक्ट होते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। दोस्तों इनकी जो डिमांड है दोस्तों कंट्री में जो है बढ़ती जा रही है, इसलिए दोस्तों जो है ईवी के सेक्टर में दोस्तों बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो अपना जो है प्रोडक्ट लेके आ रही हैं। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है स्पाइस जेट की तरफ से। दोस्तों जून 2022 तक दोस्तों स्पाइस जेट के ऊपर दोस्तों 6,700 करोड़ का दोस्तों जो है लॉस हो चुका है। इनका दोस्तों जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो दोस्तों 6,700 करोड़ से बढ़ चुके हैं, उनके करंट असेट्स दोस्तों जो है पार कर चुके हैं। और दोस्तों कंपनी जो है नए कैपिटल को दोस्तों जो है रेज करने की सोच रही है, $200 मिलियन दोस्तों कंपनी सोच रही है रेज करने की, इक्विटी कंपनी को सेल करके या फिर दोस्तों जो है कुछ सिक्योरिटीज़ को मार्केट दोस्तों इशू करके। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है NDTV की तरफ से। दोस्तों उनके जो शेयर से आज फ्राइडे को 5% बढ़ गए। दोस्तों उनका जो शेयर दोस्तों उनके अपर सर्किट लगा है 515 रुपये दोस्तों जो है आज बंद हुआ है, यानी कि दोस्तों उन्होंने का जो शेयर दोस्तों पहली बार जो 2008 में 500 के मार्क को क्रॉस किया था, 4 जनवरी 2008 को दोस्तों 512 टच किया था, लेकिन दोस्तों 512 के मार्क को क्रॉस करके 515 दोस्तों आज टच कर चुका है, यानी कि दोस्तों अडानी की दोस्तों खरीदने के बाद जो NDTV के शेयर वो बढ़े हैं। क्या आपने दोस्तों NDTV के शेयर में कभी इन्वेस्ट किया या फिर दोस्तों आपने होल्ड कर रखे हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है दोस्तों कि WhatsApp ने दोस्तों 2.4 मिलियन अकाउंट्स को इंडिया में जो है बैन कर दिया है। इनमें से दोस्तों जो है 1.42 ऐसे अकाउंट्स हैं मिलियन जिनमें दोस्तों जो है कंपनी ने कोई भी नोटिस नहीं दिया, सिर्फ दोस्तों उनको ब्लॉक कर दिया, उनको दोस्तों जो इनका अकाउंट ही बंद कर दिया है। ऐसा दोस्तों क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों हमारे इंडिया में जो IT की दोस्तों जो पॉलिसीज है वो और स्ट्रिक्ट की गई है। दोस्तों ये सरकार देख रही है कि क्या WhatsApp दोस्तों जो कोई फेक रूमर दोस्तों कुछ भी ना फैले और उसको कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों हर कंपनी दोस्तों जो है सोशल मीडिया कंपनी को अपनी हर महीने दोस्तों रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, और जिसकी वजह से दोस्तों जो है अकाउंट से वो बैन किए गए हैं, जिससे कि दोस्तों इनमें जो है ये कुछ रूमर्स वगैरह फैलाते हैं दोस्तों और जो है नेगेटिविटी फैलाते हैं। इसलिए अगली खबर दोस्तों निकल गया ट्विटर की तरफ से। दोस्तों ट्विटर ने कहा है कि हम जो है अपने सिस्टम पर दोस्तों जो अपने ऐप पर जो है एडिट बटन को लेके आने वाले हैं। दोस्तों कब लेके आने वाले कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी, लेकिन दोस्तों कुछ सेलेक्टेड अकाउंट्स पे और दोस्तों जो वेरीफाइड यूजर्स हैं जिनके पास दोस्तों ब्लू टिक होता है उनको दोस्तों आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ये जो है फीचर मिलने वाला है। दोस्तों इस अप्रैल के महीने में जो है ट्विटर ने कहा था कि हम जो है इस एडिट बटन पर दोस्तों 2021 से काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक जो है ट्विटर का एडिट बटन नहीं आया है। दोस्तों आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो एडिट बटन कभी दोस्तों कुछ ऐसा लिखा आ जाता है दोस्तों कभी कभी, या दोस्तों जो पुरानी ट्वीट्स होती हैं हमको उसको डिलीट भी करना होता है, लेकिन दोस्तों अभी तक जो है ट्विटर पर डिलीट का बटन भी नहीं है। तो दोस्तों एक और इंडियन दोस्तों आदमी जो है एक बाहर की कंपनी दोस्तों CEO बन चुका है। दोस्तों स्टारबक्स की नई CEO दोस्तों जो है अनाउंस कर दी गई है, लक्ष्मण नारासिम्हन। दोस्तों नारासिम्हन जो है दोस्तों वो रैकेट कंपनी को छोड़ के जो है स्टारबक्स के CEO बने। दोस्तों इस खबर के बाद दोस्तों जो है उनके 4% शेयर गए दोस्तों रैकेट कंपनी के। दोस्तों फिर से दोस्तों जो है इंडियन जो CEO है दोस्तों वो बहुत सारे जो है बढ़ते जा रहे हैं, जैसे गूगल में दोस्तों सुंदर पिचाई है दोस्तों, और ऐसे दोस्तों कई सारे जो CEO है Adobe में दोस्तों, अपने IBM में हमारे इंडियन CEO दोस्तों जो एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों अब स्टारबक्स में भी लक्ष्मण नारासिम्हन दोस्तों जो है हमारे इंडिया से दोस्तों आ चुके हैं। तो दोस्तों आज की जो बिजनेस और फंडिंग न्यूज़ है वो यहीं पे खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए।